Everyone, welcome to Film Window. I am Seema Sinha, and today we have Pooja Mishra, ma'am. Pooja Mishra, ma'am, ka introduction. Hum kya karvaye? Sabne ek line to suni hogi. Pooja, what is this behavior? और यही लाइन इनको सबसे बेस्ट डिफाइन करती है, तो मैं पूजा मैम पर ही छोड़ूंगी कि वो अपना इंट्रोडक्शन हमें दे। प्लीज। वेल, मैं एक साधारण लड़की हूँ। आई विल बिगिन विद दैट। आई एम जस्ट लाइक अ गर्ल नेक्स्ट डोर। और उसके सिवाय मैंने बहुत सारी मॉडलिंग, एंकरिंग, यू नो, थिएटर एक्टिंग, मैंने एक किताब भी अभी रिसेंटली लिखी है, सो आई एम एन ऑथर टू। मैंने एक प्रोडक्शन कंपनी 2012 में शुरू की थी, सो आई एम अ प्रोड्यूसर टू। सो आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम। इतनी सारी आपने अचीवमेंट इतने कम समय में बता दी, और फिर आप बोल रही है कि आप एकदम गर्ल नेक्स्ट डोर है, ऐसा तो नहीं हो सकता मैम। आई एम, आई एम अ वेरी फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल पर्सन। ओके, सो पूजा मैम आज हमारे साथ जुड़ रही हैं बिग बॉस पर बात करने के लिए। मैम, बिग बॉस का 15 सीजन है, अभी शुरू है, और जैसे ही हम बिग बॉस का नाम लेंगे तो एक रेज है वो सबको पता है, उमर रियाज का इविक्शन। अब वो सही हुआ, कुछ लोग कहते हैं गलत हुआ, आपका क्या टेक है इस पर? आपने देखा है पूरा वो एपिसोड, वो इविक्शन? जी हाँ, मैं बिग बॉस फॉलो कर रही हूँ। मुझे पता है उमर रियाज को इविक्ट किया गया क्योंकि उन्हें बहुत अग्रेसिव पाया जा रहा था, पर मैंने सोशल मीडिया पे उनके प्रो, उनके फेवर में भी बहुत सारी कैंपेनिंग देखी है। तो जो भी हुआ, आई गेस हैपेंड फॉर द बेस्ट, बिकॉज आपको पता ही है बिग बॉस एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल शो है जहाँ कुछ भी हो सकता है, यू नो। तो आदमी कभी जज या गेज नहीं कर सकता कि आगे क्या होने वाला है। राइट मैम, आप खुद भी बिग बॉस का हिस्सा रही हैं, आप भी जानती है बिग बॉस के अंदर क्या चीजें चलती है, बाहर क्या चीजें चलती है। और उमर रियाज का इविक्शन, ये लोगों के बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि बिग बॉस ने पहले कहा था कि इसका फैसला, उमर रियाज के इविक्शन का फैसला पब्लिक वोट पर छोड़ा जाएगा, और पब्लिक ये कह रही है कि हमने तो भाई भर भर कर वोट दिए, तो आपने उमर को कैसे इविक्ट कर दिया, तो इस पर क्या कहेंगी आप? वेल, मैं क्या कहूँ, अब जैसा सही समझा गया वैसा किया गया। वो बहुत अग्रेसिव थे ऐसा सब लोग बोल रहे थे, तो उन्होंने कुछ किया होगा, उसीलिए उन्हें इविक्ट किया गया है ना। राइट मैम, कुछ एक्स कंटेस्टेंट है जैसे गौहर है, अभिनव शुक्ला है। अभिनव शुक्ला ने आज ट्वीट किया है कि वॉयलेंस तो पहले भी होती रही है, इस सीजन में भी होती रही है, और इससे पहले की सीजन में भी होती रही है, लोग एग्रेसिव भी हुए हैं, बट ये सब्जेक्टिव हुआ बिग बॉस इस बार, और उमर को सिर्फ सब्जेक्टिव होकर निकाला गया, यहाँ पर वॉयलेंस और एग्रेशन की बात ही नहीं थी। वॉयलेंस होता है, सब कुछ वहां पर होता है, सिचुएशंस ऐसी हीटेड हो जाती है कि आदमी अपना कंट्रोल खो बैठता है, यू नो, तो बहुत कुछ वहां पर होता है। और किस रीजन से निकाला गया, मैं तो मेकर हूं नहीं, मैं एंडोमॉल की बॉस हूं नहीं, तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, ना ही मैं कलर्स को चला रही हूँ। बट एज अ व्यूअर, एज एन ऑनलुकर, एज समबडी हुज बीन अ पार्ट ऑफ दैट शो, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि उन्होंने कुछ गलत किया होगा, उसीलिए उन्हें इविक्ट किया गया। मुझे पता है सब लोग बहुत ही अपसेट है इस बात को लेके, काफी लोग उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो अब जो भी हुआ हुआ, ऐसे तो मेरे भी इविक्शन को लेके बहुत सारी इफ्स एंड बट्स निकली थी जब मुझे वायलेंट करार करके इविक्ट किया गया था। कई लोगों ने बोला कि मैं वायलेंट नहीं थी, मैंने एक छोटा सा नज बस किया था। तो ऐसा तो होता ही रहता है, तो बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसा ही ट्रेडिशन और ट्रेंड चला आ रहा है। तो इविक्शन को लेके बहुत ही अनाकानी होती है, बहुत ही कंट्रोवर्सी होती है, बहुत ही रिबेलियन होती है, क्योंकि लोगों को नहीं पसंद आता है जब उनके फेवरेट कंटेस्टेंट को इविक्ट किया जाता है। मुझे अपना मैं बोल सकती हूँ, मेरे को याद है जब मुझे इविक्ट किया गया था, कितने लोग अपसेट थे। एक नारी का एनजीओ था, वो बोल रहे थे हम कलर्स के ऑफिस के बाहर जाके नारा लगाएंगे, यू नो। तो ये सब तो होता ही रहता है, बिग बॉस का ये पार्ट एंड पार्सल है। मैम, आपने अपनी कहानी हमें बताई, तो आपको क्या लगता है कि बिग बॉस में एक तरह का फेवरेटिज्म चलता है कि मेकर्स पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इन इन कंटेस्टेंट को इस वीक तक एलिमिनेट कर देना है, और इस कंटेस्टेंट को हमें फाइनल तक ले जाना है, या उन्हें जिता भी देना है, ऐसा कुछ फेवरेटिज्म बिग बॉस में चलता है आपके हिसाब से?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ फेवरेटिज्म चलता है वहां पर, जो पब्लिक चाहती है वही किया जाता है, पब्लिक जिसे पसंद करती है उसे ज्यादा दिखाया जाता है, पब्लिक जिसे नहीं पसंद करती उसे निकाल दिया जाता है, और वहां बहुत ही ऑन द स्पॉट डिसीजन लिए जाते हैं, बहुत स्पॉन्टेनियस डिसीजन लिए जाते हैं, कुछ ज्यादा प्लान नहीं किया जाता है, क्योंकि सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस बदलती रहती है, हर समय बदलती रहती है, राइट? तो उसीलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल. राइट मैम, नेक्स्ट सवाल मेरा भी बिग बॉस से जुड़ा हुआ है. उमर रियाज की अब बात हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा उस पर वापस बाद में आएंगे. अब हम बात करेंगे वाइल्ड कार्ड्स की. इस सीजन में हमने देखा है कि वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री कराई गई और फिर उन्हें टिकट टू फिनाले भी दे दिया गया, जैसे राखी सावंत हो गई, शमिता हो गई, रश्मि हो गई. इस पर भी लोगों ने सवाल उठाए कि आप वाइल्ड कार्ड्स को लाकर इस सीजन के जो कंटेस्टेंट है उनको साइडलाइन कर रहे हैं और टिकट टू फिनाले वाइल्ड कार्ड्स को दे रहे हैं, जो पिछली बार ओटीटी में थे उनको मौका भरपूर मिला था. तो इस टॉपिक को कैसे देखती हैं आप? नहीं, ये बात मुझे भी सही नहीं लग रही है. बार बार वो वही सेम पुराने कंटेस्टेंट को वाइल्ड कार्ड्स बना के डालते रहते हैं. राखी सावंत लास्ट सीजन में थी तो इस सीजन में उसे क्यों बुला दिया भाई? ये रश्मि भी कितनी बार जा चुकी है घर के अंदर, तो ये सेम कंटेस्टेंट बार बार जो बुलाया जा रहा है, प्रॉब्ली बिकॉज पब्लिक उन्हें पसंद करती है, उनका स्ट्रैटेजीज इंजॉय करती है, पर बार बार वही सेम लोग. इतने सारे लोग हैं बिग बॉस के हिस्ट्री में, अगर आप कंटेस्टेंट देखने जाए 15वां सीजन चल रहा है, 15 सीजन्स में इतने सारे कंटेस्टेंट्स हैं, उन्हें भी मौका देना चाहिए. बार बार वही सेम लोगों को वाइल्ड कार्ड की तरह बुला के फिर उन्हें टिकट टू फिनाले भी दे दिया जाता है, मुझे नहीं सही लगता है ये बात. आई डोंट एग्री विद इट. राइट मैम, और अगर हम उमर रियाज की दोबारा बात करें तो सलमान खान को भी काफी बार घेरा गया है, मेकर्स को भी काफी बार घेरा गया है कि आप लोग उमर की बैशिंग जानबूझकर करते हैं, और बैशिंग भी इस तरह से कि आप उनकी प्रोफेशनल लाइफ बीच में लाते हैं. हम सब जानते हैं उमर सर्जन है, फ्रंटलाइन वर्कर है, उनके प्रोफेशन को बार बार खींचा जाता है कि आप इतने वायलेंट हो, आप डॉक्टर जब व्हाइट कोट पहनते हो तो भी इतने ही वायलेंट रहते हो क्या? और ये बात लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि उमर का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बीच में क्यों लाया जा रहा है, बिकॉज उमर इज नॉट एज अ डॉक्टर इन साइड द बिग बॉस हाउस. तो इस चीज को कैसे देखते हैं आप? वेल, ये तो होता ही है. देखिए, अगर आपका कोई प्रोफेशन है, एक मेन स्ट्रीम आपका जो मेन प्रोफेशन है, वो तो बार बार बिग बॉस के घर में उसके बारे में बात होगी ही, क्योंकि बिग बॉस का घर ही ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल है कि आपके पास्ट की कोई भी बातें जो हाईलाइटेड है, जैसे आपका जो मेन प्रोफेशन है वो आपकी हाईलाइट होती है, आपकी पर्सनैलिटी की, आपके करियर की, और वो बातें तो बार बार वो लोग उछालेंगे ही, ये तो बिग बॉस का नियम ही है आप बोल सकते हैं. तो इसीलिए अगर उनका जो मेन प्रोफेशन है सर्जन का, अगर बार बार उसके बारे में बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि उसमें इतना अग्रेसिव नहीं होता है, तो आप इतने अग्रेसिव कैसे हैं? ये बातें तो होंगी, ये तो तरीका ही है बिग बॉस के घर का. मैम, इस बार का जो सीजन है उसकी टीआरपी भी लगातार कम आ रही है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? ऐसे मेकर्स की बार बार ये गलती, जैसे वाइल्ड कार्ड्स को लाना, उमर को बैश करना, या किसी को बैश ना करना, जानबूझकर ये दिखाना, मतलब साफ साफ फेवरेटिज्म पता चल रहा है इस सीजन में, ऐसा लोग बोल रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि आप तेजस्वी को जिताना चाहते हैं इसलिए आपने उमर को ये इविक्ट कर दिया, आप करण को जिताना चाहते हैं इसलिए आप इस प्लेयर को साइडलाइन कर रहे हैं. इसकी वजह से क्रेडिबिलिटी भी काफी बिग बॉस की कम हो चुकी है और टीआरपी भी कम आ रही है. तो इस पर किस तरह से आप अपनी राय रखेंगी? फिर मैं क्या राय रखूं, मैं बस इतना बोलूंगी कि बिग बॉस एक ऐसा शो है कि वो 15 साल से चले आ रहा है और आगे भी चलता जाएगा ही. तो कुछ सीजन्स में टीआरपी कम होती है, कुछ सीजन्स में टीआरपी ज्यादा होती है. आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को इतने मैसेजेस आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर मीम को देख के सब लोग वापस जाके बिग बॉस 5 को अब देख रहे हैं. वो इतना वायरल हो चुका है सीजन, स्पेशली टिकटॉक पे, यू नो, जो इंटरनेशनली अवेलेबल है, इंडिया में बैंड है, उसकी क्लिपिंग्स टिकटॉक पे डाली जाती है, उसे मिलियंस ऑफ व्यूज मिल रहे हैं. तो और लोगों को पूजा मिश्रा इतनी पसंद आ रही है इतने सालों बाद, तो आप समझ सकते हैं बिग बॉस का आप कुछ बोल नहीं सकते. उसकी पॉपुलैरिटी तो है ही, उसी लिए 15 साल से चला आ रहा है और आगे भी आएगा. पर यू नो,
जहां तक टीआरपी का सवाल है, जैसे मैंने पहले भी बोला, कुछ सीजन्स में ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है, कुछ सीजन्स में इतने सालों बाद बढ़ जाती है टीआरपी, तो यू कैन नेवर से. राइट मैम, अब शो एक्सटेंड भी हो गया है 2 हफ्तों के लिए एटलीस्ट कहा जा रहा है, क्योंकि बाहर कोविड सिचुएशन ऐसी है. तो हम अब बात करेंगे उम्र को छोड़कर, अगर हम बात करें तो दो जो और कंटेस्टेंट है जिन पर काफी ज्यादा लाइमलाइट रहता है, वो है तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा, और दोनों रिलेशनशिप में भी है. उनके रिलेशनशिप को भी लेकर काफी बातें होती है, तो हम पहले उनके रिलेशनशिप पर ही बात कर लेंगे, उसके बाद उनके इंडिविजुअल गेम पर बात करेंगे. बार बार करण की बैशिंग होती है वीकेंड का वार में कि आप तेजस्वी को कभी सपोर्ट नहीं करते, कभी उनके लिए स्टैंड नहीं लेते एज अ बॉयफ्रेंड. आप फॉलो करती है उनके गेम को बिग बॉस में, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैंने सुना कि वो स्टैंड नहीं ले रहे अपने दोस्तों के लिए, तेजस्वी के लिए और भी एक दो लोग हैं निशांत के लिए, सुना मैंने ये बात और मुझे स्ट्रेंज लगा, क्योंकि करण तो काफी मंझे हुए प्लेयर लगते हैं, तब वो क्यों नहीं स्टैंड ले रहे? क्योंकि बिग बॉस के घर में एक स्टैंड लेना बहुत जरूरी होता है, जो आप बिलीव करते हैं आपको उसे एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपकी स्पाइन अगर नहीं है तो आपको एक सेकंड में लोग पिकआउट कर देते हैं, किक अराउंड करते हैं घर में. तो उसीलिए जो ये स्टैंड नहीं ले रहे ये मुझे बहुत ही स्ट्रेंज लगा, पर शायद वो सबके साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने किसी के लिए स्टैंड लिया तो उनके दूसरों से झगड़े हो जाएंगे. तो ही इज अ पीपल्स प्लीजर, जो बोलते हैं लोगों को खुश रखने की कोशिश में, वो किसी के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं और ये बात लोगों को नहीं पसंद आ रही, क्योंकि उनके जो करीबी दोस्त हैं वो इतना तो एक्सपेक्ट करते ही हैं उनसे कि उनके लिए वो स्टैंड ले. राइट मैम, आपने फैमिलीज की बात की, तो हम ट्विटर पर उनकी फैमिली को फॉलो करते हैं, वो रिएक्शन देते हैं बिग बॉस पर. करण कुंद्रा की फैमिली स्पेशली बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है जब तेजस्वी की बात आती है. करण कुंद्रा की सिस्टर ने काफी बार बोला है कि मुझे नहीं पसंद तेजस्वी, साफ साफ शब्दों में मुझे नहीं पसंद जैसे वो मेरे भाई को ट्रीट करती है. और फिर तेजस्वी के फैमिली के इधर से भी वार होता है. तो आपको क्या लगता है कि बिग बॉस के जो रिश्ते बनते हैं घर में वो घर के बाहर टिकते हैं? और अगर टिकते हैं तो जब दोनों फैमिलीज में इतनी कड़वाहट है, भर चुकी है उनके बिग बॉस घर में रहते हुए, तो आपको क्या लगता है वो बाहर आएंगे जब तेजस्वी और करण, तो संभाल पाएंगे अपने रिश्ते को? वेल, मुझे लगता है कि बिग बॉस के जो रिश्ते होते हैं बहुत ही रेयरली बिग बॉस के घर के बाहर भी सस्टेन हो पाते हैं. आप देख सकते हैं पूरी हिस्ट्री में वीना और अश्मित थे एक साथ घर के अंदर, बाहर वो बस फ्रेंड्स थे, इतना उनका कुछ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बचा. ऐसे कई लोग आए कई लोग गए, वेरी रेयरली, जैसे पवित्र पुनिया और एजाज खान अभी तक दे आर गोइंग स्ट्रॉन्ग, दे वर स्ट्रॉन्ग इन साइड द हाउस, दे आर स्ट्रॉन्ग आउटसाइड द हाउस, ऐसा बहुत रेयरली होता है. और अगर फैमिलीज के बीच में इतनी कड़वाहट है तो देन आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सस्टेन देयर रिलेशनशिप. और कैमरे के लिए शायद उनकी क्लोज फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बन गई है, पर जब बाहर आएंगे तो भगवान ही जाने क्या होगा. और फैमिली का ऑपोजिशन तो बहुत ही बड़ी बात होती है, उससे कई रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जाती है. राइट मैम, करण की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे तेजस्वी की, क्योंकि ताली एक हाथ से तो बजती है नहीं. तेजस्वी के गेम को आप किस तरह से देखती है? क्योंकि जब उमर रियाज भी थे तब भी वो ऐसा, लोगों का कहना था कि वो उमर रियाज और करण कुंद्रा की दोस्ती तोड़ना चाह रही है. जब भी कोई टास्क होता है घर में तब तेजस्वी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, क्योंकि करण तो उनका स्टैंड लेते नहीं है मोस्टली, और बाकी लोग भी उनके खिलाफ ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. तो आपको क्या लगता है तेजस्वी अकेली क्यों पड़ती जा रही है घर में? आई थिंक उनका जो स्टांस होगा वो नई लोगों को पसंद आ रहा होगा, उसीलिए उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है. ये बात मैंने भी नोटिस की है, वो काफी कंप्लेंट करती है, मैं हमेशा अकेली ही छोड़ दी जाती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा यहाँ कोई नहीं है. और ये बोल के कि करण के साथ बैठी हुई है और फिर बोल रही है कि मेरा यहाँ कोई नहीं है, जब वो उनके अपराधी की बॉयफ्रेंड है. तो ये बात तो है कि तेजस्वी हमेशा अकेली पड़ जाती है. मेरे साथ भी यही हुआ था सीजन 5 में, अगर आपको याद होगा मुझे बिल्कुल अकेला करके टारगेट किया जा रहा था बार 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 बार, सबने ग्रुप्स बना रखे थे और मैं बेचारी अकेली पड़ जाती थी हर बार. और इनफैक्ट अगर आप बिग बॉस की विकिपीडिया में जाके पढ़ेंगे, बिग बॉस की पूरी हिस्ट्री में पूजा मिश्रा से
सिर्फ एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिसे हर हफ्ते नॉमिनेट किया गया तब भी वो एलिमिनेट नहीं हुई, लोगों ने उसे इतना सपोर्ट किया। तो ये सब तो होता ही है, यू नो, वहां पर लोग अपने बारे में सोचते हैं, अगर उन्होंने एक दो अच्छे दोस्त बना लिए उनके बारे में सोचते हैं और फिर दूसरों से अलग ही रहते हैं। क्लैनिशनेस जिसे बोलते हैं ना, क्लैनिशनेस, वहाँ क्लैनिशनेस बहुत होती है। तो अगर कोई किसी के साथ क्लैन में है तो उसके बाहर नहीं जाएगा तेजस्वी की हेल्प करने, तो शायद इसीलिए तेजस्वी वहां पर फील पड़ जाती है। जब आपके साथ ऐसा हुआ था मैम, आपको अकेला छोड़ दिया गया था, तो कैसे आपने डील किया था उस सिचुएशन से? अगर आप तेजस्वी को एक एडवाइस देना चाहेंगी पर्सनल नोट पर कि अपने बॉयफ्रेंड से, सलमान ने भी उन्हें पिछली बार वीकेंड का वार में कहा कि आपको किसी से उम्मीद नहीं रखनी है, करण से भी उम्मीद नहीं रखनी है, तो आप किस तरह से तेजस्वी को एडवाइस देंगी कि वो अपने गेम को किस तरह से इम्प्रूव करें? मैं कहूंगी कि शिशु लुकआउट फॉर हरसेल्फ, वो अपने बारे में सोचे पहले, फिर दूसरों के बारे में सोचे, पहले अपने बारे में सोचे, फिर करण के बारे में सोचे। और मैं ये भी कहूंगी कि अपने आप पे विश्वास ना हारे, क्योंकि सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपको अकेला छोड़ दिया जाता है, क्योंकि आदमी यू नो नर्वस होने लगता है और ये सब। तो कॉन्फिडेंट रहे और हर तरीके से, हर एंगल से बात को सोच के फिर बोले, सबकी सुने फिर अपनी करें। एक आखिरी सवाल मैम, बिग बॉस को हम रैप कर देंगे, उसके बाद हम आपके नए प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं आपके टॉप 5 कौन है या टॉप 3 कौन है बिग बॉस सीजन 15 में से, आप किसका नाम लेंगी? वेल, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि सबके रंग बदलते रहते हैं, सिचुएशन इतनी अनप्रेडिक्टेबल है। आज कोई अच्छा लग रहा है, अगले हफ्ते वो कुछ ऐसा कर देगा कि वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो किसी को मैं ऐसे बोल नहीं सकती कि मेरा फेवरेट है या टॉप 3 है। आई विश देम ऑल द लक, सब अच्छा करें और जो ट्रूली डिजर्व करता है विनर बनने का वही विनर। ओके मैम, थैंक यू सो मच, ये बिग बॉस की बातें हमने बहुत कर ली। अब मैं जानना चाहूंगी आपके प्रोजेक्ट्स, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कैसे हैं? पूजा मिश्रा को हम कहाँ एक्सपेक्ट करें कि हम जल्द से जल्द यहाँ पर देख सकते हैं? वेल, एक्चुअली मेरी किताब यस यू कैन बी अ वायरल रियलिटी शो स्टार Amazon की बेस्ट सेलर बन चुकी है। ये किताब को मैं अब हिंदी में रिलीज कर रही हूँ और इसकी ऑडियो बुक भी रिलीज कर रही हूँ, तो इसमें मैं फिलहाल काफी बिजी हूँ। मैंने 4 किताबें लिखी हैं, तो इस साल रिमेनिंग 3 भी मैं पब्लिश करना चाह रही हूँ। उसके अलावा मैं बहुत सारी सीरीज बनाती हूँ सोशल मीडिया के लिए। एक मैंने सीरीज बनाई है वॉक इन द गार्डन, जिसे लेके लोग बहुत ही एक्साइटेड और हैप्पी है, जिसमें मैं अपने गार्डन को एक्सप्लोर करती हूँ, वहाँ के फ्रूट्स, वहाँ के ट्रीज, वहाँ के फ्लावर्स, और उसके बारे में लोगों को बताती हूँ। फिर मैंने एक और सीरीज शुरू की है बी अ लीडर डोंट माइंड शाइन, जहाँ मैं लोगों को अंग्रेजी सिखाती हूँ, क्योंकि लोगों को मेरे बोलने का तरीका, मेरी अंग्रेजी बहुत पसंद है, तो वो भी मैंने सीरीज शुरू की है। फिर मेरी तीसरी सीरीज है डिस्कवर द हिडन सीक्रेट, जहाँ मैं ब्यूटी सीक्रेट्स एक एक करके रिवील करती हूँ। तो ये सब चीजें हैं जहाँ आप मुझे देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, मैं काफी एक्टिव रहती हूँ। उसके अलावा कुछ मेरे और भी प्रोजेक्ट्स के ऑफर्स आए हैं, विच इज यू नो अंडर रैप्स, आई कांट टॉक अबाउट इट, तो वहां आप मुझे बहुत ही जल्दी देखेंगे। राइट, थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी अपने फैंस को, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? हाँ, मैं बस अपने फैंस को बोलूंगी, आई नो यू वांट इट, यू आर आस्किंग फॉर इट, यू आर डाइंग फॉर इट, गेट ऑफ माय बैक, गॉट इट। मेरी मीम सबको बहुत पसंद आई है, मेरे डायलॉग वायरल हो गए हैं। इनफैक्ट हॉलीवुड एक्टर कार्ल पेन ने मेरे डायलॉग को कोट किया है, क्लोई कार्डाशियन जो एक इंटरनेशनल आइकॉन है उन्होंने मेरे डायलॉग को कोट किया है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को इतना पसंद आ रहा है मेरे बोलने का तरीका, मेरा लहजा। So I just thought that I'll end on that note with a small, you know, request to my fans. कि आप मुझे Instagram पे follow करें POJAMISRA2018 पे और मेरे साथ interact करके मेरे साथ बने रहें। मैम हम आपको जाने नहीं दे सकते, हम आपसे request करेंगे कि आप पूजा what is this behavior वाला dialogue एक बार please हमें सुना दें। You're asking for it, you're dying for it, get off my back, got it. वो तो मैंने आपको करके दिखाया ही। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for joining us on Film Window. My pleasure.
बाय. थैंक यू.